गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हम लाइव आए हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है कि एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव है। हाँ, कल ही हम क्लास में भी अपने क्लास में भी बताए थे कि एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव होने के बाद भी देखिएगा अपना जो इंडियन मार्केट है वो पॉजिटिव ओपन होगा। अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन जाता है कि एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव होने के बाद भी अपना ये मार्केट पॉजिटिव कैसे। देखिए 9:06 हो चुका है एंड ये अभी भी पॉजिटिव है। इसके जगह पर अगर एक्सजेक्स निफ्टी को देखेंगे तो 51 पॉइंट नेगेटिव है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग ये सब चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग बहुत जगह डर जाते हैं कि एक्सजेक्स निफ्टी नेगेटिव है, अपना इंडियन मार्केट भी नेगेटिव ओपन होगा। तो ऐसा जो होता है, ये सिनेरियो हम लोग के दिमाग में क्रिएट किया हुआ है कि पहले से कि एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव होगा तो इंडियन मार्केट भी नेगेटिव हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये देखिए 0.21% अप है। यहाँ पे अगर निफ्टी का ये देखेंगे, निफ्टी यहाँ पे निफ्टी कितना रुपीज है, यहाँ पे 16,886 एंड अभी यहाँ पे ये क्या प्राइस चल रहा है, 16,904। मतलब यहाँ पे गैप अप ओपन कैसे हो रहा है, ये हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इसको बहुत दिन से नोटिस कर रहे हैं, हम सोचे आज आप लोगों के संग शेयर कर रहे हैं। थोड़ा टाइम मिला था, हम एक बार सोचे कि आप लोगों के संग शेयर कर दें। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए मेरा दो पोजीशन ओपन है और एक बैंक निफ्टी का पोजीशन दूसरे अकाउंट में है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा अपनी स्क्रीन। तो वो भी पोजीशन मेरा ओपन है एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए 17,820 to 2,641, यानी कि अप्रोक्स हमको 20,461 का प्रॉफिट दे रहा है ये मेरा। देखिए यहाँ पे 5 लॉट, यहाँ पे 1 लॉट, मतलब ऑल टोटल मेरे पास 6 लॉट होल्ड पे है। अभी भी हम इसको होल्ड करके रखे, जो कि नेगेटिव था ग्लोबल मार्केट, फिर भी हम पोजीशन होल्ड करके रखे। एंड देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। एक्सजेक्स निफ्टी को देखिए, ये गैप अप ओपन नहीं हुआ, ये गैप डाउन ही है, अभी भी 50 पॉइंट्स डाउन है। बट अपना इंडियन मार्केट को देख लीजिए, गैप अप ओपन हुआ 16,900 में। तो ये प्रॉफिट हम बुक करके आपको दिखाते हैं कि देखिए हमको प्रॉफिट किस तरीके से होता है, बीटीएस ट्रेड कैसे हम लोग लेते हैं। एंड इवन रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस भी आई थिंक गैप अप ही ओपन हुआ। अगर रिलायंस कहाँ गया, ये देखिए रिलायंस 9 रुपीज अप। कल सबको डरा हुआ था, सबको पैनिक मूड में था, सबको बोला था सर ऐसा होगा सर वैसा होगा, बट यहाँ पे क्या हुआ आखिर में, गैप अप ओपन हुआ ना। अपने पे बिलीव रखिए, ट्रस्ट अपने आप पे रखिए, कभी किसी पे भरोसा नहीं करना है कौन क्या बोलता है। इवन यहाँ पे एंजल वन का भी वहां पे मैसेज आया था कि मार्केट विल ओपन गैप डाउन, मार्केट ओपनिंग गैप डाई, मतलब मार्केट विल बी नेगेटिव टुडे। बट यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव ओपन हुआ ना। चलिए हम एक बार अपडेट देखिए आपके पास, मार्केट गैप अप ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे अब अपना पोजिशन को हम स्क्वायर अप करेंगे क्लिक करके। यहाँ पे देखिए हम अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं एंड यहाँ पे मेरा ये जो लॉट है इसको भी हम अपना स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ऑलरेडी हमको कितना का प्रॉफिट हो गया है, तो यहाँ पे हमको 18,000 रुपीज का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया एंड यहाँ पे हमको अप्रोक्स 1,663 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, जो कि हमको और जल्दी हम एग्जिट कर दिए। थोड़ा और होल्ड करते तो और प्रॉफिट होता है। निफ्टी को देख लीजिए एंड निफ्टी अभी भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हम थोड़ा सा लेट किए हैं बट ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है। एसजेक्स निफ्टी को जो हम लोग देख के डर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है। एंड इवन यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये मैंने यहाँ पे 208 में सेल किया, यहाँ पे देखिए 225 चल रहा है, 271 पे इसको सेल किया, 289 यहाँ पे चल रहा है। ओवरऑल 18,000 रुपीज का यहाँ प्रॉफिट हुआ, 1,000 का वहाँ हुआ, 1,900 रुपीज का, मतलब सॉरी 19,000 से ज्यादा का हमको प्रॉफिट हो गया। तो वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं। होप आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ गैप अप ओपन वाला कि किस तरीके से गैप अप से हम लोग डील करते हैं, क्योंकि मार्केट जब आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे आप देख लीजिए इसको अभी भी ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव नहीं था, ट्रेंड पॉजिटिव था। एसजेक्स निफ्टी कुछ भी करे, ग्लोबल मार्केट कुछ भी करे, अगर इंडियन मार्केट पॉजिटिव है तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ऐसे ऐसे वीडियो हम आप लोगों के लिए डेली लाते हैं। थैंक यू।